सत्कार योग जरनैल नंगल जी इलाके की सेवा कर रहे ने साडे छोटे वीर ने साडे बजुर्गों नूं श्रद्धांजलि भेंट करन वास्ते आए ने ते मैं उन्हां नूं बेनती करूंगा कि कुछ पल आके वह भी बजुर्गों नूं श्रद्धांजलि भेंट कर सत्कार योग साडे जरनैल नंगल जी तन तन साहिब श्री गुरु रविदास महाराज जी की पावन पवित्र अमृत बाणी की गोद के विच विराजमान गुरु रूप प्यारी साध संगत जी हो अज आप सारे ही साढ़े बहुत ही सत्कारयोग बजुर्ग श्रीमान स्वरणदास जी उन्हां दी अंतिम अरदास ते परिवार के नाल दुख सांझा करन दे वास्ते इत्थे इकट्ठे हुए हैं। सियाने कहिंदे आ कि दुख वंडाउण दे नाल घटदा है ते खुशी वंडाउण दे नाल वधदी है और जदों साडे विच्चों कोई परिवार का मुखी जांदा है और खास करके वह बजुर्ग जिन्हां ने जिथे परिवार के लिए कुछ किया हो उत्थे नाल दी नाल समाज के प्रति भी चिंतित होण तां फिर उत्थे परिवार नूं इकल्ला घाटा नहीं पैंदा नाल समाज नूं भी घाटा पैंदा। बाणी दा फरमान है कि राणा राओ ना को रहे रंग ना तुंग फकीर वारी आपो अपनी कोई ना बन्ने तीर। इत्थे रहना तां किसे ने नहीं, चाहे कोई अमीर है चाहे कोई गरीब है चाहे कोई राजा है चाहे प्रजा है, रहना नहीं किसे ने, सारा ने चले जाना। लेकिन तीन तरह के लोग होंगे, एक लोग वह होंगे जिहड़े जन्म लेंदे है सवेरे उठे खादा ते अपनी मौज मस्ती की किसी का कोई किसी तरीके नाल भी परवाह नहीं, सौ गए खा लिया फिर सौ गए ते इस तरीके दे नाल अपना जीवन बतीत करके चले जाते हैं। उन्हां विच ते जानवरां च कोई बहुता फर्क नहीं। दूसरी तरह के लोग होंदे आ जिहड़े अपना कोई कर्म करते हैं और उहदे नाल नाल अपने परिवार की जिम्मेवारी चुक लेंदे आ, इदां दी बहुत गिणती है। और एक तीसरी तरह के लोग होंगे जिहड़े इस धरती ते आउंदे है अपने परिवार की जिम्मेवारी भी चुकते हैं लेकिन उहदे नाल नाल समाज के प्रति भी चिंतित होंगे, परिवारक दायरे तो बाहर निकल के कुछ करते हैं। और जिहड़े लोग परिवारक दायरे के विचों बाहर निकल के कुछ करते हैं उन्हां नूं याद किया जाता है, चाहे वह साढ़े महापुरश ने चाहे बॉर्डर ते खड़ा होया फौजी ते चाहे साढ़े समाज दे विच इदां दे समाज सुधारक। इहदी आपां नूं मिसाल कित्थों मिलदी है, आपां अज जुड़ के बैठे हैं अज उहनां दी जिंदगी दा लेखा जोखा हो रहा, बजुर्गां दे दित्ते हुए संस्कार बजुर्गां दा कीता होया संघर्ष वह परिवार तों सामने आउंदा, परिवार का रहन सहन किदां दा इत्थों पता लगता कि बजुर्गों का जीवन किदां दा होएगा। और बजुर्गों का जीवन जिथे उन्होंने कर्म किया संघर्षमई जीवन बतीत किया उत्थे नाल ही गुरु रविदास जी की वह गल जिहड़ी है वह लड़वन के रखी कि गुरु साहब ने बाणी विच उचारण किया कि पराधीनता पाप है, जान लियो रहमीत रविदास दास पराधीन से कौन करे है प्रीत, पराधीन का दीन क्या पराधीन बेदीन रविदास दास पराधीन को सब ही समझे ही। कि जिहड़ा पराए दी अधीनगी जिहड़ी गुलामी है वह एक पाप है ते गुलाम दे नाल कोई प्यार नहीं करता। और इसे करके उन्होंने अपने बच्चों सैल्फ डिपेंड बनाया, आत्म निर्भर बनाया, किसी की गुलामी करने की बजाय अज वो परिवार जिहड़ा आ उन्होंने संस्कारां नूं उन्होंने
जो उन्होंने विचार दिते उन्होंने लैके समाज के विचर रहा और खास करके साडे वीर सारे ही वैसे तो भरा साढ़े बड़े साऊ सुभा ने लेकिन रजिंदर कलेर जी जिहड़े समाज के परिवारक दायरे तो बाहर निकल के गुरुआं दे मिशन नू लैके चले हुए ने जन जन तक पहुंचाउण दा वीड़ा चुकिया होया है। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਿਆ ਹੀ ਆ ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਔਰ ਇਹ ਘਾਟਾ ਉਦਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ ਉਹ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਫਿਲਾਸਫਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਕਿ ਮਹਾਨ ਲੋਕ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਮਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਟਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਲਾਈਨ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਪੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਹਾਨ ਲੋਕ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜੋ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਜੋ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੋਟਿਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਔਰ ਪਿੱਛੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਅਸਹਿ ਪਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰੂਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ।